launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बलरामपुर में 15 दिन में 5 रेप, अब 5 साल की बच्ची से 14 साल के लड़के ने दुष्कर्म किया, 3 दिन बाद परिजनों ने केस दर्ज कराया। लोधी गांव में नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पंचायत मंत्री, परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बिलासपुर में महिला के 2 साल के बच्चे का अपहरण, प्रेमिका को पाने के लिए किया अपहरण, सीसीटीवी कैमरे में मिली तस्वीर से पकड़ा गया। गौधन न्याय योजना के तहत गोबर से बायो सीएनजी बनाने की तैयारी, 800 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट भी बनेगा, अब तक 30 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी। कोरबा में एसईसीएल सुरक्षाकर्मी की हत्या का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजधानी में कोरोना से 500 मौतें, रायपुर में 1000 मरीजों में 13 मौतें, मृत्यु दर 1.32%, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के लोधी में हुए नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में संज्ञान लेने प्रदेश के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव पीड़ित परिवार से मिलने लोधी ग्राम पहुंचे। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अमलों की मौजूदगी में सिंहदेव ने पीड़िता और उनके परिवार से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। वहीं मंत्री ने पीड़ित परिवार को तमाम प्रशासनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि वो घटना के बाद से ही परिवार के साथ मोबाइल से संपर्क में हैं और पल पल की जानकारियाँ ले रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़िता की शिक्षा, विवाह और का बीड़ा प्रशासन द्वारा उठाए जाने का वादा किया। परिवार से हम लोग संपर्क में थे, परिवार के मुखिया पिताजी से भी मैं फोन से भी मैंने बात की थी, संपर्क में था और आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर ये परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, 10 सदस्यों का परिवार है, 3 बेटियां हैं, 7 बेटे हैं, बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है, 2 बेटियां बाकी बची हैं और इनको हर तरह से मदद की ज़रूरत है। एक ऐसा परिवार जिसको ये दुखद दिन भी
देखना पड़ा। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जिला कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए मांग की गई। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष स्कूल और कॉलेजों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ रहा है छात्रवृत्ति के लिए, जिसके लिए उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। और कोविड-19 को देखते हुए अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए जो है छात्र छात्राएँ जो है स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उनको अवगत कराने के लिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको प्रिंसिपल के माध्यम से और प्राचार्य के माध्यम से और कॉलेज के प्रिंसिपलों के माध्यम से वो बच्चे जिनकी लिस्ट उनके पास में पूर्व वर्ष की है, वो लिस्ट को देखते हुए वो छात्र छात्राओं को बुलवाएं और उनका छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाएं। और कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों ने अब तक धान के समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं होने से किसान परेशान दिखाई दिए। वे किसानों ने कहा कि फल कर्मचारी द्वारा हमारा धान को खरीदा गया, इसके भुगतान के लिए हम लोग 7 महीनों से घूम रहे हैं। गरीब किसानों की उक्त रकम का भुगतान नहीं होने पर इस खरीफ फसल की उत्पादन नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को झूठ बोल करके सत्ता में आई है और लगातार किसानों को ठग रही है। 2500 रुपए में धान खरीदने कह करके कहने वाली सरकार ने छोटे बेठिया पखांजूर क्षेत्र के हमारे सितरम के ये जो आए हैं हमारे साथ शहीद गेंद सिंह भाऊ जी, जो कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा था, उनके परिवार के लोगों को छल किया है। और बलौदा बाजार जिला के कसदोल नगर पंचायत में आज साहू समाज की औचक बैठक रखी गई, जिसमें साहू समाज के अध्यक्ष धनंजय साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ काफी संख्या में साहू समाज के लोगों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। साहू समाज की बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी होने वाले सामाजिक चुनाव के लिए किया गया था, जिसमें बताया गया कि चुनाव किस तरह से होना है। अध्यक्ष धनंजय साहू ने बताया कि माँ कर्मा भवन और छात्रावास के लिए 1,19,00,000 की जमीन ली गई, जो लवन नगर पंचायत के लवन वन में लिया गया, जिसकी रजिस्टर 6 महीने के भीतर करना है, जिसके लिए धनंजय साहू ने जिले भर के साहू समाज से अनुरोध किया है। एक उपाध्यक्ष, एक महिला उपाध्यक्ष और उस 3 अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष मिला करके नगर समाज का गठन होना रहता है। और नगर 15 वार्ड है माले कसडोल में, तो 15 45 और हमारे आजीवन जो सदस्य है उसमें से जो 50 सदस्य है उसका भी एक डेलीगेट मतदाता हम लोग चयन करते हैं। और बस्तर जिले में लगातार पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं अतिरिक्त ओपी शर्मा के निर्देशन में यातायात उप पुलिस अधीक्षक पंकज ठाकुर और यातायात टीम द्वारा शहरों में बेधड़क आवाजाही करते हुए ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि शहरों के अंदर नो एंट्री टाइम पर प्रवेश करना, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि ना होना, व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति ना होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखना। यातायात पुलिस अधीक्षक पंकज ठाकुर और यातायात टीम द्वारा इन ट्रैक्टरों पर विगत 2 दिनों में 12 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई है। खबर कोरबा से है, जहां बाकी मोगरा क्षेत्र में CSP दरीग ओमन लाल सिन्हा और बाकी मोगरा थाना प्रभारी सनत सोनवानी ने व्यापारी गणों को थाना चौक में इकट्ठा कर सभी को बढ़ रहे चोरी की घटनाओं को दूर करने के लिए
अपनी तरफ से अच्छे सीसीटीवी कैमरे का उपयोग करने की सलाह दी ताकि बढ़ रहे अपराधों और अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढने में पुलिस को सहायता मिले। साथ ही उनका कहना था कि इससे सभी व्यापारी भाइयों को सचेत रहने में अधिक सुविधा मिलेगी। इस कदम से व्यापारी भाइयों को स्वयं के साथ सुरक्षित सचेत रहने की सलाह दी गई ताकि बढ़ रहे अपराधों में अंकुश लगाया जा सके। इसका कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, लेकिन बाकी मोंगरा ये जो व्यावसायिक परिसर है तो आसपास के जितने चौक के आसपास जितने भी दुकान हैं तो सभी दुकान वाले व्यवसायी बंधुओं से बाकी मोंगरा पुलिस और कोरबा पुलिस की तरफ से अनुरोध किए हैं कि सब जो है। एक बार फिर बस्तर पुलिस को अवैध शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने शराब माफिया को बड़े स्तर पर अवैध शराब की तस्करी के दौरान पकड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने इस केस का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुल 55 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बरामद शराब की कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। मध्य प्रदेश और दिल्ली तरफ की जो शराब है अवैध रूप से इस क्षेत्र में बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर जो है मोबाइल चेक पोस्ट NMDC चौक की ओर लगाया गया था और इस टीम के द्वारा जो है एक I-20 कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 20 पेटी अवैध शराब जो मध्य प्रदेश क्षेत्र का है वो परिवहन करना पाया गया था। इसमें 2 संदेही भी मिले थे और जिनसे और पूछताछ पर पता चला कि ग्राम केलौर क्षेत्र में जो है 55 पेटी और शराब जो है संग्रहण किया गया है। और खबर सुकमा से, जहां जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के ग्राम पंचायत बोकड़ा उड़ार में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्व में बैठक और आम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य स्थानीय बेरोजगारों को स्थानीय बोली भाषा के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता दिलाना था। खबर कोरिया से, जहां नगर पंचायत खुंगापानी जमीन विवाद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें वार्ड पार्षद 13 के कांग्रेसी कमल भान पार्षद के द्वारा महिला को सर पर हमला कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद महिला ने खुद चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और उसे मेडिकल के लिए भेजा गया, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी पार्षद की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण BJP कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं द्वारा चौकी में प्रदर्शन किया गया और थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया इसमें निष्पक्ष जांच होगी, ये बात कही गई। बच्ची को रखाई, फिर इसका पति इतना मोटा डंडा निकाला, फिर मेरे सर में मारा, इतना गाली दिया, मेरे को हजारों डंडा मारा। और जांजगीर में पुलिस ने चोरी की 3 बाइक और चोरी के सामान के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SP पारुल माथुर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि आदतन बाइक चोर राधेश्याम बरेठ चोरी की बाइक लेकर घूम रहा है। इस पर उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो दूसरी अन्य चोरी का खुलासा हुआ और मामले में चोरी की 3 बाइक सामान को जब्त किया गया। मामले में 6 आरोपी राधेश्याम बरेठ, चंद्रशेखर सतनानी, राकेश दास, अमित शर्मा गिरफ्तार किए गए। थाना द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कुछ हमारे क्षेत्र के निगरानी बदमाश भी हैं पूर्व के। इन लोगों से चोरी का सामान बरामद किया गया है, जिसमें मुख्यतः 2 मोटरसाइकिल्स हैं जिसमें चोरी की FIR दर्ज थी और एक पल्सर गाड़ी भी है। इसके अलावा AC का यूनिट है, बैटरीज हैं और LED TV भी इसमें शामिल है। सभी को कार्रवाई करके रिमांड पर भेजा जा रहा है। रायगढ़ कोरोना काल में मनमाने तरीके से इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर भीम सिंह निर्देश पर लगातार स्वास्थ्य अधिकारी, BMO, SDM और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज रायगढ़ जिले के कई विकासखंड के कई क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई। तोसिर, सालेवोना, देवगांव, कछार और अन्य क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों की चल रही इलाज को लेकर प्रशासन को खबर मिलने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है।
शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहां पर कुछ बंगाली डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां लिंगिया डी पुरानी बस्ती निवासी 3 साल की मासूम बच्ची घर के पास दुकान गई थी और इस दौरान घर आते समय रास्ते में अचानक वो गायब हो गई। आसपास तलाश करने के बाद माता पिता ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की। इसके बाद पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की और सोमवार शाम तक बच्ची की तलाश आसपास नदी के किनारे की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। और सरगुजा सीतापुर पुलिस ने कार सवार 2 युवक को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन दिनों सरगुजा संभाग के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सरगुजा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध धंधों पर शिकंजा कसने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। वहीं मंगलवार को सीतापुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बसीपुर घाट के पास बंशीपुर केरजू रोड पर नेकाबंदी कर एक सफ़ेद रंग की बिना नंबर की मारुति को रुकवाया। पुलिस ने इस दौरान कार से 200 नग अंग्रेजी शराब की बोतलों को पुलिस ने बरामद किया है और आपको बता दें दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दिनांक 13/10/20 को मुखबिर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति सफ़ेद रंग के कार में मारुति 800 में झारखंड से अवैध रूप से शराब मेन पार्ट की ओर लेकर जा रहे हैं, जिसे श्रीमान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में उत्तर पाटन मंडल अध्यक्ष लोकमणि चंद्रकर, सांसद प्रतिनिधि राजा पाठक और जाम गांव एम के भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह को मंगलवार को अमलेश्वर पुलिस द्वारा जाम गांव की शराब दुकान लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजने के विरोध में सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में पाटन विधानसभा के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने जनपद पंचायत पाटन के सामने इकट्ठा हुए। सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि पूरे पाटन में उनके सिपे सालार द्वारा भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रहने वाला आशिक शादीशुदा प्रेमिका को पाने के लिए पहले उसके साथ उसी के घर में दोस्त बनकर रहा। प्रेम संबंध का पता चलने पर प्रेमिका के पति द्वारा भगा दिए जाने के बाद उसने प्रेमिका को पाने के लिए उसी के भतीजे का अपहरण कर लिया। पुलिस और आरपीएफ की टीम को पेंड्रा रोड स्टेशन से आरोपी टिकट खरीदते दिखा। सोमवार की रात पुलिस ने आरोपी को पकड़कर बच्चे को बरामद किया है। पेंड्रा रोड आरपीएफ टीम को स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आरोपी बच्चे के साथ दिखा और आरपीएफ टीम ने सोमवार को रात आरोपी को स्टेशन से पकड़ा। उसके पास से 2 साल के बच्चे को भी अपने कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र में 11 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी बापूज नगर से काजल चौधरे नाम की प्राप्ति आई। उन्होंने बताया कि उनके नाबालिग बच्चे को एक व्यक्ति जो उनके यहाँ आता जाता था, परिचित था, कल्लू कालीचरण नाम का, वो घर से ले गया था शाम में और उसके बाद रात तक वो वापस लेकर नहीं आया। स्टेशन की जानकारी मिली तो जीआरपी का भी सहारा लिया गया और लगातार चेकिंग के उपरांत जो है पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास उसको बच्चे को और उस आरोपी को दोनों को बरामद कर लिया गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज़
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0038 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के लिंगिया डी से, जहां पर 3 साल की मासूम गरिमा यादव के घर ही नजदीक एक किराने की दुकान पर चॉकलेट लेने गई और चॉकलेट लेकर वापस आते वक्त अचानक कहीं गुम हो गई। इसकी शिकायत परिजनों ने थाना सरकंडा में की। वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची अभी तक घर नहीं पहुँच पाई है। मामले को पुलिस गंभीरता से लेते हुए जल्द ही तलाश करने की बात कह रही है। और खबरों के बीच इस वक्त लखनऊ से खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव को कोरोना संक्रमण हो गया है। पत्नी साधना की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। गुड़गांव के मेदांता में मुलायम सिंह यादव इस वक्त भर्ती हैं। मुलायम सिंह यादव कोरोना संक्रमित हुए हैं, पत्नी भी उनकी कोरोना संक्रमित हुई है। फिलहाल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उभरती हैं इस वक्त। पत्नी साधना भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कोरोना संक्रमण हुआ है। पत्नी साधना की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। गुड़गांव के मेदांता में मुलायम सिंह भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। पत्नी साधना की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और कोरोना काल में मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई एक राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। अप्रैल से सितंबर तक लाइसेंस फीस में दी छूट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीस माफी के आदेश दे दिए हैं। अप्रैल से सितंबर तक की लाइसेंस फीस में छूट दी गई है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देश के कई राज्यों में एक ओर जहां प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में जिले स्तर पर स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर भी दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार के जिला खनिज संस्थान न्यास नीति के तहत कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के 97 शिक्षित युवक युवतियों को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया गया।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्याय समिति के तहत नए शिक्षा सत्र के लिए शाला संगवारी के रूप में जिले की 97 युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान को लेकर रवाना हुए, जहां ग्राम इंडीपाल के जंगल में पुलिस को अपने ओर आते देख माओवादी भागने लगे। पुलिस ने नक्सलियों का पीछा किया, लेकिन जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर वो भागने में सफल रहे। इस दौरान माओवादियों के डेरा से राइफल, टेंट सामग्री, नक्सली वर्दी, आईडी स्विच समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। मौके पर माओवादियों के डेरे को ध्वस्त कर दिया गया है। माओवादी कैंप के आसपास इलाके की सुरक्षा बल द्वारा सर्चिंग भी की जा रही है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ दिल्ली।